हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से फिनलैंड और फ्रांस के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं इन दोनों टीमों के जो ग्रुप स्टेज पॉइंट्स टेबल वहां पर। तो गाइज इन दोनों टीमों को ग्रुप डी में रखा गया और फ्रांस इस ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें फिनलैंड इस ग्रुप में सेकंड पोजीशन पर है। तो गाइज फ्रांस ने इस ग्रुप में 7 मैच खेले, जिनमें से 4 मैच इस टीम ने विन किए, 3 मैच ड्रॉ खेले, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैकिंग वाइज 16 गोल करें लेकिन डिफेंस सिर्फ 3 ही गोल कंसीड किए। तो गाइज 7 मैच में 16 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो। जो इस टीम का अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में 2.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इस टीम ने 7 मैच में सिर्फ 3 ही गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए। तो इस टीम का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में 0.4 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 और कभी कभी तो एक हल्की और एक एवरेज टीम के सामने टीम 3-4 गोल तक स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर से बेहतर टीम के सामने प्रत्येक 2-3 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब गाइस बात करें फिनलैंड इस ग्रुप में 7 मैच खेल चुके, जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन किए, 2 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज सिर्फ 10 गोल किए लेकिन डिफेंस से इस टीम ने 8 गोल कंसीड किए। तो गाइस 7 मैच में 10 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो। जो इस टीम का अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में 1.4 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इस टीम ने 7 मैच में 8 गोल डिफेंस वाइज कंसीड किए। तो इस टीम का जो डिफेंस वाइज परफॉर्मेंस, प्रत्येक मैच में 1.1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी-कभी तो एक हल्की और एक एवरेज टीम के सामने टीम पर मैच में 2 गोल भी कर देती है। लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस इस टीम का भी काफी शानदार रहा अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों में किस टीम को हम अपनी ड्रीम 11 टीम के लिए फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए यहां से फ्रांस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है इस ग्रुप में वो काफी शानदार रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारे समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 4 हेड टू हेड मैच हुए, जिनमें से फिनलैंड सिर्फ 1 मैच विन किए और 3 मैच यहां से लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज वो 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब फिनलैंड जब फ्रांस के सामने खेलते तो अटैकिंग वाइज पर मैच में गोल नहीं कर पाते, बल्कि प्रत्येक 2-3 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। तो परफॉर्मेंस काफी डाउन है अटैक से लेकर डिफेंस तक फिनलैंड का हेड टू हेड में। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, वो मैच फ्रांस 2-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज 2 गोल करें लेकिन डिफेंस इस टीम के सामने 1 भी गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ और उस मैच को फिनलैंड 2-0 से मैच को विन कर गई। अब की बार फिनलैंड ने 2 गोल करे लेकिन डिफेंस से 1 भी गोल इस टीम के सामने कंसीड नहीं किया। तो परफॉर्मेंस उस मैच में काफी शानदार देखने को मिला फिनलैंड की ओर से अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और हुए और दोनों मैच को यहां से फ्रांस 3-0 और 1-0 से मैच को विन कर गई। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्रांस इस टीम का अगेंस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है अटैक से लेकर डिफेंस तक, तो इसलिए मैं यहां से फ्रांस को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में, मतलब इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं फिनलैंड करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो 6 मैच खेल चुके, जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन किए, 1 मैच ड्रॉ खेला, 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो एक हल्की और एक एवरेज टीम के सामने टीम 2 गोल पर मैच भी कर देती है। लेकिन डिफेंस वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने पर मैच में 1 और कभी कभी तो ज्यादा बेहतर टीम के सामने टीम 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। तो परफॉर्मेंस इस टीम का आप मान सकते हो एवरेज देखने को मिलता है अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच फिनलैंड बोस्निया के सामने
3-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज 3 गोल करे लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। और बॉस ने कोई इतनी खास टीम है नहीं, वो एवरेज टीम है और उस टीम के सामने इसका जो विन करना बनता है। लेकिन उससे फिर मुकाबला कजाकिस्तान के सामने खेली और कजाकिस्तान भी कोई खास टीम नहीं है और उस टीम के सामने भी इसका कम से कम विन करना तो बनता है। लेकिन उससे फिर मुकाबले ये यूक्रेन के सामने खेली और उस टीम के सामने लॉस कर गई। और यूक्रेन जो कि काफ़ी अच्छी टीम है और उस टीम के सामने सिर्फ 1 ही गोल कर पाई, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी शानदार किया था। बॉल पर पोजिशन पूरी तरह रखी लेकिन नाकामयाब हो पाई और मैच को लॉस करी। लेकिन उससे पहले मुकाबला फ्रांस के सामने ये टीम खेली और 2-0 से मैच को लॉस कर गई। लेकिन उससे पहले मुकाबला कजाकिस्तान के साथ अगेन खेली और उस मैच को भी ये टीम विन कर गई। लेकिन एक मैच इस टीम ने वेल्स के अगेंस्ट में खेला और वेल्स के सामने ये टीम डिफेंसिव वाइज मैच को ड्रॉ खेल गई। और वेल्स कोई हल्की टीम नहीं है, मतलब कोई हल्की टीम नहीं है, वो काफ़ी अच्छी टीम है। और उस टीम के सामने ये टीम डिफेंसिव वाइज मैच को ड्रॉ खेल जाए तो इसका मतलब इस टीम का भी डिफेंस काफ़ी अच्छा है रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग। अब बात करें जो फ्रांस का करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो गाइस फ्रांस ने करंटली 6 मैच खेले जिनमें से 4 मैच विन और 2 मैच ड्रॉ, अभी तक लॉस किया ही नहीं है। अटैकिंग वाइज 2.8 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर कर देती है लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस इस टीम का काफ़ी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच फ्रांस कजाकिस्तान के सामने 8-0 से मैच को विन करके आ रही है, अब वहीं पर फिनलैंड ने कजाकिस्तान के सामने 2-0 से मैच को विन किया था। अब आप यहीं से कंपेयर कर सकते हो फ्रांस और फिनलैंड को, क्योंकि फ्रांस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रहा है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन उससे फिर मुकाबला स्पेन के अगेंस्ट में खेली और स्पेन को ये टीम 2-1 से धोकर आ रही है। मतलब उस मैच में स्पेन ने सिर्फ 1 गोल किया लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किया और इजीली फ्रांस 2-1 से विन कर गई और स्पेन के होम ग्राउंड में। तो इसका मतलब फ्रांस का जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी शानदार है फिलहाल के टाइम पर अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन उससे फिर मुकाबला बेल्जियम के सामने खेली और बेल्जियम फीफा वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 टीम है फिलहाल के टाइम पर और उस टीम के सामने ये टीम 3-2 से मैच को विन कर जाए। तो इसका मतलब कि ये टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है फिलहाल के टाइम पर अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम बेहतर टीम के सामने जैसे कि बोला कि पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। लेकिन उससे फिर मुकाबला फिनलैंड के सामने टीम 2-0 से मैच को विन कर गई लेकिन उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने ड्रॉ खेले और वो भी हल्की टीम के सामने एज कम्पेयर टू फ्रांस, क्योंकि यूक्रेन इतने खास मतलब बेहतर टीम है लेकिन फ्रांस के अगेंस्ट में बेहतर नहीं है। और बोस्निया जो कि खास बेहतर टीम नहीं है लेकिन बेहतर है एज कम्पेयर मिड टेबल टीम, उन सब के सामने इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है लेकिन फ्रांस के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो इस तरह का रिजल्ट देखने को शोभा नहीं देता। तो इसलिए मैं यहाँ से फ्रांस को एक फेवरेट टीम मान चलता हूँ क्योंकि इसने पिछले 3 मैच एक बेहतर टीम के सामने खेले और तीनों मैच को विन भी किया और अटैकिंग वाइज पर मैच में गोल किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच कंसीड भी किया। तो गाइस अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारे समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस उससे पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। तो गाइस फिनलैंड फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 60 पोजीशन पर है और फ्रांस फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर है। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हो इन दोनों टीमों को कि फीफा रैंकिंग किस टीम की बेहतर है। तो यहां से ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्रांस की ही फीफा रैंकिंग बेहतर देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं आज फ्रांस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ लेकिन हल्का सा फेवर फिनलैंड को रहेगा क्योंकि ये मैच इसका होम ग्राउंड में और इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है डिफेंसिव वाइज, अटैकिंग वाइज शायद इसका गोल ना भी आए। तो इसलिए मैं यहाँ से फ्रांस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की ग्रुप पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। अगर गाइस इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर किया जाए तो कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे वीडियो को निचोड़ यही निकल कर आता है कि फ्रांस एक बेहतर टीम है एज कंपेयर टू फिनलैंड और फ्रांस को ही हमें अपनी ड्रीम इलेवन टीम में एक फेवरेट टीम मान के चलना चाहिए और इसी को पूरी तरह फेवर करना चाहिए और इसको ही हमें ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहिए। ओके, कहने का मतलब अगर आप 20 टीम भी बना रहे हो इस मैच में तो 20 के 20 मेरे हिसाब से आप फ्रांस के फेवर में ही बनाओ अटैक से लेकर डिफेंस तक। मतलब अटैक क्या मतलब कि कम से कम अटैक में ये टीम 5-4 गोल करेगी या 2-3 गोल करेगी, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाओ हर टीम के अनुसार। लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन हमेशा 2-1-1 मतलब 2-0-1-0-3-0 लास्ट रहता है। मैं हाई स्कोरिंग मैच कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जो मतलब
ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जितने भी मैच हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड मैच हैं और इन सब में डिफेंस गेम काफ़ी अच्छा खेला जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इस मैच इन सब मैचों में काफ़ी लो स्कोरिंग मैच होते हैं और हल्की हल्की टीम हो जाए जैसे कजाकिस्तान, फिन और सैन मरीनो, इन सब के सामने तो ये टीम कर जाते हैं 10-12 गोल। जैसे कल इंग्लैंड ने सैन मरीनो के सामने 10 गोल कर दिए, हैरी केन अकेला जिसका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था फिलहाल टाइम पर, और उसने 4 गोल मारे थे, मतलब क्या ही बताएं। उन सब टीमों के सामने ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर के दे सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकें हाँ 10-12 गोल आराम से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो अंडर 100 रन आती है जो टीम वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है डिफेंस से। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन कम से कम 0 गोल तो यहाँ से फिनलैंड के होना चाहिए और कम से कम 2 गोल यहाँ से फ्रांस इस मैच में कर देगी। तो 0-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं फिनलैंड के प्लेयर्स के बारे में, फिर नज़र डालते हैं फ्रांस के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं फिनलैंड के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप ये काम जरूर करना, क्योंकि मैं आपको 1 से लेकर 3 तक गिनने वाला हूं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 1 एंड 2 एंड 3। तो हो गया, चलिए। हाँ गाइज, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डाल दें फिनलैंड के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज, फिनलैंड की टीम की तरफ जो फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर टीम पुक्की भैया, इसके ऊपर ही पूरी टीम अगर ये गोल करेगा तो मतलब फिनलैंड आगे जाएगी। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इसका ही बेहतर देखने को मिला पूरे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच में। और यहाँ से रोबिन लोड है जो कि परफॉर्मेंस इसने भी अच्छा किया, प्रीवियस मैच में इसने भी 1 गोल किया, तो अगर आप चाहे तो ट्राई करके चल सकते हो, डिफेंसिव पॉइंट भी दे जाएगा, तो इन्हें पिक करके चलना ही चलना। ओके, बाकी यहाँ से 2 प्लेयर्स और हैं, इन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मार्कस फोर्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लाइनअप आने के बाद ही होगा। ओके, तो अब बात करते हैं इस टीम की तरफ से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इन प्लेयर्स के लिए, तो देखते हैं। तो गाइस, असिस्ट के मामले में आपके सामने सारे प्लेयर्स हैं, सभी ने एक एक असिस्ट किया, जैसे कि टीम ऑफ पुक्की है और यहाँ से रोबिन लोड है और यहाँ से आपके सामने जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने एक एक असिस्ट किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर तो मेरे हिसाब से आपके लिए टीम पुक्की और यहाँ से रोबिन लोड, इन दो में से दोनों को ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए रोबिन लोड को पिक करके चलूंगा, क्योंकि पुक्की का मुझे चांस नहीं इस मैच में गोल आ भी जाए। मुझे लगता है कि फ्रांस इस मैच में ज़्यादा गोल कंसीड नहीं करे, शायद गोल कंसीड भी ना करे, तो इसलिए मैं पुक्की को शायद अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप लेके चल सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ मतलब फ्रांस इस मैच में गोल कंसीड कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो गाइज, अब बात करें जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं फ्रांस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज, फ्रांस की टीम की तरफ से जो हाईएस्ट गोल टेकर एंटोनी ग्रीजमान, इस टीम की तरफ से 6 गोल कर चुका फिलहाल टाइम पर और इसने 1 गोल किया पेनल्टी में। तो मेरे हिसाब से पेनल्टी तो कैलियन एम्बापे लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चॉइस पेनल्टीकर है, ये पीएसजी के लिए खेल लेता और मुझे लगता है कि यहाँ से एम्बापे ही पेनल्टी लेंगे, और करीम बेंजेमा तो शायद मुश्किल लेगा, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है और एंड्रियन रैबिट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंसिव पॉइंट देता, एंटोनी मार्शल खेलने का चांस काफ़ी कम रहेंगे और एन डेम्बले जो कि खेलने का चांस काफ़ी कम रहेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, ग्रीज़मान, एम्बापे और बेंजेमा, इन ये तीनों खेलेंगे तो आपके लिए ये मतलब इन प्लेयर का खेलने का चांस काफ़ी डाउन हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ से टॉप 3 को भी अपनी टीम में ट्राई करके चला हूँ। अब बात करें इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इन प्लेयर्स के लिए, तो देखते हैं। तो गाइज, असिस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो थियो हर्नांडिस जो कि लो स्कोरिंग मैच में आप चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंडली की टीम में, और यहाँ से किंग्सले कोमान इस टीम की तरफ से 2 असिस्ट कर चुका और एंटोनी ग्रीजमान 1 असिस्ट, बाकी के जितने भी प्लेयर्स उन सभी ने 1-1 असिस्ट किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से बेंजेमा है, एम्बाप्पे है, ग्रीजमान है और यहाँ से थियो हर्नांडिस है। अब आपकी चॉइस रहेगी यहाँ से किंग्सले कोमान को पिक करें ना करें, लेकिन मैं ड्रॉप करके चलूँ। ओके, प्रेडिक्शन का अकॉर्डिंग। ओके, तो अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच जो हमारी समोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो देखते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइस, फिलहाल के लिए टीम है जिसमें कैप्टन मैं अभी के लिए बना के चला हूँ एम्बाप्पे को, वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए हम रखते हैं ग्रीज़मान को। ओके, आप चाहे तो यहाँ से करीम बेंजेमा को रख सकते हो वाइस कैप्टन कैप्टन, प्लस मैं यहाँ से एंटन रैबियट को पिक कर चला हूँ, थियो हर्नांडिस को एक लो स्कोरिंग मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और यहाँ से लुकास हर्नांडिस जो कि डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छे देता, और लुकास डिग्नी ये भी अच्छा परफॉर्मेंस आप जानते हो कि काफ़ी अच्छा मतलब ये असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है और की पासिस भी निकालता, इंटरसेप्शन टेकल का पॉइंट देता, तो एक लो स्कोरिंग मैच में एक दो टीम में ग्रैंड लीग में जरूर करना। ओके, तो कैप्टन करना सीधा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट की जो मैच की वीडियो है वो मॉर्निंग में है और उन मॉर्निंग की वीडियो को मैं आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आई कुछ भी तो जरूर हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो जरूर करना। ओके, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।